भारत। और दोस्तों आप सब लोगों की वजह से, आप लोग बहुत कह रहे थे कि एक बार और इवेंट दिखाया जाए, तो हम दोबारा से फिर मेला देखने आ गए हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत है धामपुर महोत्सव समर मेला। चलिए हम लोग चलते हैं मेले के अंदर। और फिर वही टीम है मेरे साथ आज भी, अंकित, विभू और प्रियंक। तो चलिए आप सब लोगों को आज भी फिर मेला घुमाता हूँ। और मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो समर मेला चल रहा है धामपुर महोत्सव, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से सभी उपाय अपनाए गए हैं। ये इन्होंने अपना एक जो है कार्यालय बनाया हुआ है, संजीव जी ने, हमारे जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं, और यहाँ पर CCTV लगाया हुआ है और पूरा मेला कवर्ड है। और ये बात मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि जो अवांछनीय तत्व हैं वो किसी तरह की कोई गलती ना करें मेले में। पुलिस पिकेट भी मौजूद है, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आप मेला घूमने आए, शांतिपूर्वक मेला घूमें आप। एक बार फिर मैं आपको जो है तारुफ करा रहा हूँ संजीव भैया से, हमारे जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। संजीव जी, ये बताइए कि मेला की जो अंतिम तिथि क्या है? पहले पूरे धामपुर वासियों को हमारा पुनः नमस्कार। इसका अंतिम तिथि होगा 29 जून, यानी 30 जून का इसका समापन समारोह है। हम पूरे धामपुर वासियों से पुनः आगमन के लिए प्रार्थनीय रहेंगे। सारे लोग बार बार आए, मेले का आनंद ले, ताकि मुझे अपार खुशी मिले। हम सबके आगमन के ही प्रार्थनीय हैं, और मुझे बहुत धामपुर वासियों से खुशी भी मिल रहा है। आप खुश है धामपुर में आके? बिल्कुल। चलिए भैया, आपका जो है स्वागत है बहुत बहुत धामपुर में पूरे। और आप, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अगले वर्ष फिर आए इसी तरह से। बिल्कुल, आपके प्रेम स्नेह के लिए हम अति प्रसन्न है आप लोगों से। धन्यवाद भैया। और मैंने आप लोगों से बोला, देखिए पूरे का पूरा मेला जो है CCTV से कवर किया गया है, पूरे मेले पे निगाह रखी जा रही है CCTV के द्वारा। और मेरे कुछ पुराने साथी बैठे हुए हैं, मैं मिलवा दूं आपको। भैया वीरेंद्र चौहान, हिंदुस्तान से तहसील इंचार्ज। आप सब लोगों का मेले में स्वागत है, और हम तहे दिल से आपका आने का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। और अभिषेक भैया, फिर पुनः एक बार और दो शब्द। धामपुर महोत्सव समर मेले में धामपुर के ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगामी 29 जून तक, जो मेले की आखिरी तिथि है, इसी तरह लोगों का प्यार व स्नेह मिलता रहेगा, तथा लोगों की भारी भीड़ इसी तरह रोज उमड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और देखिए, एक मेरे कॉलेज टाइम के पुराने साथी आज मुझे मिले हैं। मैं समझता हूँ 5 या 6 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। सुभाष राणा, ये मेरे मित्र हैं। तो सुभाष जी, आप जो है पूर्व मीडिया कर्मी रह चुके हैं, और दो शब्द आपके द्वारा भी। अच्छा, मैं अपने साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेला प्रभारी और मेरे अभिषेक सर गुप्ता जी को भी, और मेरे जो भी मीडिया कर्मी हैं वो सब। मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशली मेला घूमने। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने प्रबंध कर रखा है, यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी तैयार कर रखी है, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन, मतलब इन्होंने पार्किंग स्थल ही बना रखा है पूरा, मतलब CCTV कवर्ड कर रखा है। और जो ना ये लड़ाई झगड़े और असामाजिक तत्व जो ना, इस पर पुलिस की बहुत ज़्यादा मतलब नज़र है। यही मैं कहता हूँ कि सब लोग आए, अपने परिवार के साथ आए और एंजॉय करें। धन्यवाद भैया। अपडेट है आर के आर्य जी। तो भैया, दो शब्द आप भी कह दीजिए प्लीज़ ज़रा। बहुत अच्छी व्यवस्था, सारे सिस्टम बढ़िया, पुलिस व्यवस्था बढ़िया, मेले के जो व्यवस्थापक हैं उनका व्यवहार इतना कुशल है कि सारे लोग ऐसा लगता है कि परिवार के साथ मेला घूम रहे हैं। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई घटना नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा सभी से, क्षेत्रवासियों से, कि आए और अपनी फैमिली के साथ इस मेले का एंजॉय। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आप लोगों से एक बात और बता दूं मैं कि इस मेले में, समर मेले में हलवा पराठा जो लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से जो है मेजे नहीं लगे हैं धामपुर में, तो हलवा पराठे की व्यवस्था यहाँ पर है। मैं दिखा देता हूँ आपको भी, तो आप मेले में आइए और हलवा पराठा एक बार जरूर खाइएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको भी हलवा पराठा कहाँ पर। Thank you.
एपिसोड बनाया था समर मेले का, धामपुर महोत्सव का, तो कुछ चीज़ें आपको दिखाने से रह गई थी, मैं आज वो भी दिखा देता हूँ क्योंकि मेला बहुत बड़ा था, एक दिन में कवर नहीं कर सकते थे। तो ये इसका ये आज सेकंड एपिसोड है और जहाँ तक कोशिश होगी ये आज इसका जो है लास्ट एपिसोड होगा ये, इसके बाद हम कवर करने नहीं आएंगे। तो आप अधिक से अधिक अपना इसमें प्रदान करें, लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें आप। तो चलिए अब जो रह गया था वो दिखा देते हैं। और देखिए ये वाला हिस्सा उस दिन हमने छोड़ दिया था। मेले में हर सुविधा का आपकी ध्यान रखा गया है, बच्चों के खेल खिलौने से लेके ज्वेलरी, क्रॉकरी और जो है आपका कपड़े तक उपलब्ध हैं। यहाँ सामने आपके कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत ज़ोर शोर से मेला चल रहा है क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी, फिर मेला ढीला हो जाएगा, ग्राउंड में हो सकता है कि पानी भर जाए, ऐसी संभावना है। अरे मोहित भाई क्या हो रहा है? बढ़िया भैया, साड़ियों का स्टॉल भी है। अमूमन मैंने मेले में जो है साड़ी बिकती देखी नहीं है, साड़ी नहीं है ना ये बनारस की, बहुत मुनासिब और सस्ते रेट पर साड़ी है हमारे यहाँ। क्या रेट की मुनासिब? 200 रुपए, मात्र 500 रुपए में 3 साड़ी, बम्पर छूट धामपुर महोत्सव मेले में। और इधर बराबर की ओर जो है जींस भी बिक रही है, देखिएगा आप, ये जींस का जो है स्टॉल लगा हुआ है। अब भैया से मैं बात करा दूँ, क्या कॉस्ट है जींस और शर्ट के आपके यहाँ? अलग अलग रेट है, 150 रुपये ओनली, 150 रुपये ओनली, 150 रुपीज पर जेंट्स। ये जेंट्स के रेट हैं देखिएगा आप लोग। और ये लेडीज या जेंट्स दोनों भी आ रहा है? और ये शर्ट जो है 150 रुपये की है। भैया से हमने पूछा तो भैया ने बताया ये जो शर्ट है वो सेल का रेट है बेटा, अपना बताओ। ये 150 रुपये की है। 300 की 2, 500 की 4, नहीं कर दो सेल में, 500 का सेल का ऑफर है, 4 का। चलिए इसी तरह से आप ऑनलाइन आ रहा है हमारे मेले में, धामपुर महोत्सव मेले में मात्र 150 रुपये का मिल रहा है। ये टिटानिया लाइट भी वाली है, जो लाइट भी वाली टिकट है मार्केट में 400 रुपये की है, अपने मेले में मात्र 100 रुपये की। मैजिक स्लेट है बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए मात्र 100 रुपये की। एक लेडीजों के लिए ये क्लेचर वगैरह है, हेयर पिन है, बहुत मुनासिब रेट पे 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की कॉस्ट है। ये अजय भाई हमारे बहुत दिल्ली से आते हैं और बहुत बढ़िया स्टोर लगाते हैं। महोत्सव समर मेला चल रहा है, यहाँ पर जो है अचार भी उपलब्ध है। और मैं भैया से बात करा देता हूँ, आपके स्टॉल पे कितने तरह के अचार होंगे? 40 वैरायटी हैं सर अचार। और कहाँ से स्टार्ट है? मेरठ से हमारा जो अचार है वो मेरठ से है। अच्छा, बाकी जो अचार की वैरायटी है वो सारी एक से एक आपको क्लासी मिलेगी, जो आपके शहर में ढूंढने से नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, वो सारी आपके पास उपलब्ध है। हाँ जी। और 40 रुपये से आपका जो सबसे छोटा पैक है, मिनिमम पैक है? नहीं, 80 रुपये का, 80 रुपये का मिनिमम पैक जो है वो स्टार्ट है आपका। धन्यवाद भैया। चप्पल पेड़ा वगैरह you
पड़ा है पूरा ये सब दोनों साइड में।